सेकंड के फर्स्ट नंबर में दिया है 1/√7, 1/√7 को हमको रेशनलाइज करना है। तो इसको रेशनलाइज करने का मतलब कि हमको जो डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखी हुई है वो डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है, तो अगर हम इसके डिनोमिनेटर को इरेशनल से रेशनल कर दें तो ये पूरी की पूरी नंबर जो ये फ्रैक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, रेशनलाइज हो जाएगी। तो रेशनलाइज करने के लिए हम इसमें नीचे रूट सेवन दिया है, तो रूट सेवन से ऊपर मल्टीप्लाई और रूट सेवन से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इसमें तो प्लस या माइनस वाला कोई कंडीशन थी नहीं, तो इस वजह से कोई साइन नहीं चेंज हुआ। अगर साइन चेंज भी करना चाहते हो तो देखो ये प्लस रूट सेवन है, तो तुमको क्या करना होता, माइनस रूट सेवन से मल्टीप्लाई, माइनस रूट सेवन से डिवाइड, तो माइनस माइनस फिर वही कट जाता, उसकी कोई भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पर अगर एक सिंगल टर्म में इरेशनल नंबर होगी तो इसका हम लोगों को साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए रूट सेवन नीचे था डिनोमिनेटर में, तो रूट सेवन को डिनोमिनेटर में इरेशनल से रेशनल बनाने के लिए इसी में इसी रूट का मल्टीप्लाई करवा देते तो रेशनल में चेंज हो जाता। तो रूट सेवन से ही ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इससे होगा क्या, ऊपर रूट सेवन बन जा रूट सेवन अपॉन रूट सेवन रूट सेवन सेवन। देखो इसका जो डिनोमिनेटर हुआ वो इरेशनल से किस में चेंज हो गया, रेशनल में, तो इस वजह से ये वाला रेशनलाइज हो गया। ये है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब कि डिनोमिनेटर से इरेशनल हटाकर उसको रेशनल कर देना है। अब रेशनल करने के लिए केवल एक ही पैटर्न, जैसा कि हर बार बताया कि एक ही पैटर्न पर चलो, एक ही पैटर्न याद रखना है कि जो नीचे रूट में संख्या दी हो अगर सिंगल टर्म में दिए तो ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड, और अगर प्लस या माइनस के फॉर्म में दिए तो उसके अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा देना है। आया समझ में, एक बार नोट करना हो तो इसको नोट कर लो, 2√5/√3 है, हमको इसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में, अच्छा ठीक है उसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो नीचे जो इरेशनल नंबर है उसी को रेशनल बनाना है, तो जो नीचे इरेशनल नंबर है ऊपर रूट फाइव है अपॉन 2√3 है, तो जो नीचे इरेशनल नंबर है उस इरेशनल नंबर से ही केवल ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड, या ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, ठीक। ऐसे ही आप बोलेंगे कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, या तो बोल देंगे ऊपर उसी नंबर से मल्टीप्लाई और नीचे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई। और ये क्यों कर रहे हैं ऊपर नीचे पता होगा, ताकि इसकी एक्चुअल वैल्यू में कोई चेंज ना आ जाए, इस वजह से दोनों तरफ करना पड़ता, नहीं तो ऐसे गलत हो जाएगा। एक तरफ करेंगे तो आप सॉल्व कर दो, रूट रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो रूट 15/√2 × 3 × 2 × 3 तो 2 × 3 = 6, नीचे रेशनल नंबर आ गई, तो इस वजह से ये भी रेशनलाइज हो गया। 1/√2 + √3 इसको रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर में, अब देखो रेशनल और इरेशनल का सम हुआ है, तो यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, 2 + √3 और मल्टीप्लाई किससे करवा दो, 2 − √3 और 2 − √3, वो मल्टीप्लाई में था इस वजह से सिर्फ इरेशनल लिया था। और देखना अगर सिर्फ रूट थ्री से मल्टीप्लाई करवाते नीचे तो नीचे वाली नंबर रेशनल ना बन पाती। रूट थ्री से एक बार चेक कर लो, रूट थ्री से तुम दोनों को ही तो करवाओगे, तो ये क्या बनेगी, 2√3 + 3, तब भी तो 2√3 अभी इरेशनल नंबर तो बची हुई है ना, तो तुमको तो नीचे डिनोमिनेटर में रेशनल लाना है ना, जब रेशनल लाओगे तब तो वो रेशनलाइज होगा। तो इसको रेशनल लाने के लिए जो पॉजिटिव में अगर है दोनों सम हो रहे हैं तो दोनों के डिफरेंस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। अब इससे होगा क्या, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 − √3 / इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो एक तो तरीका ये है कि पहले इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, या तो हर बार यही पैटर्न नीचे बनेगा, a + b a − b, तो a + b a − b का मतलब नीचे a² − b²। अब 2 − √3 / 2 = 4 − 3, तो ऊपर बचेगा 2 − √3, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद इसका फिफ्थ नंबर 3√2, इसको रेशनलाइज करें, फिर वही स्टेप 1/5 + √2 है, तो प्लस वाला है तो मल्टीप्लाई किससे होगा,
माइनस वाले से 5 माइनस 3 रूट 2 और नीचे भी 5 माइनस 3 रूट 2, ऊपर तो यही आ जाएगा 5 माइनस 3 रूट 2 अपॉन फिर a प्लस बी, a माइनस बी बनेगा। 99% यही बनता है, 99% यही बनता है हर बार। तो a प्लस बी a माइनस बी यानी कि एक बार 5 स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 स्क्वायर, तो आ जाएगा यहाँ 5 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 25 माइनस इसका स्क्वायर 18, सही है। रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 2, 9 2 जा 18, तो नीचे 18 आएगा, तो यानी इसका आंसर आ जाएगा 5 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 7, ये इसका आंसर हो गया। फिर वही चीज़ जैसे लिखा है पहले तो उसी तरह से लिख दें, 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करवाना पड़ेगा, 3 माइनस 2 रूट 2 से, और यही चीज़ 3 माइनस 2 रूट 2 से। ऊपर दो दो टर्म वाले मल्टीप्लाई आ गए हैं, तो दो तरीका, पहले तो एक बार 3 का इसमें, फिर 3 का इसमें, फिर एक बार इसका इसमें, और फिर एक बार इसका इसमें, फिर जो जो लाइक टर्म मिलेंगे जोड़ घटाओ करके निकाल देंगे। या तो इसका दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, हाँ a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि दोनों में a और b की वैल्यू सेम है, बीच में माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2 का होल ऑफ स्क्वायर और अपॉन, अभी चलो मैं लिखे देता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर खोल दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 रूट 2 का स्क्वायर निकालो, 2 2 जा 4 और रूट 2 का 2, तो 4 2 जा 8, और हमेशा भी याद रखे रहना 8 का सबसे कॉमन यूज में रहता है, 8 का रूट खोलेंगे पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 रूट 2, 2 रूट 2 का स्क्वायर तो रूट 8, तो कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा और रूट 2 ऐसे ही लिखा रहेगा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे 1 बचेगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ऊपर प्लस करके लिख दो, 9 8 17 माइनस 12 रूट 2, ये इसका आंसर। अब इसके बाद थर्ड नंबर भी बिल्कुल देखो पिछले साल वाला है, पिछले साल था ना सेम टू सेम यही क्वेश्चन ही था, इसमें इनकी वैल्यू ही पूछा है डेसिमल्स में, 3 डेसिमल प्लेस तक है तो 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, कोशिश होनी चाहिए कि 4 तक निकाल लें फिर नियरेस्ट कर लें, लेकिन देखते हैं। तो थर्ड नंबर के फर्स्ट नंबर में लिखा है 2 अपॉन रूट 5, 2 अपॉन रूट 5, अगर एक दिमाग कहेगा कि रूट 5 जाएं तो रूट 5 में रूट 5 की वैल्यू पुट कर दो, 2 अपॉन 2.236, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 1 अपॉन 1.068, इतना आएगा। अब जब इतना आएगा तो 1 को 0.068 से डिवाइड करना है, यानी कि अप्रॉक्स में जहां तक 68 से 1000 को डिवाइड करना पड़ेगा, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसे होगा। तो ये सब बवाल से अच्छा है कि पहले इसको रेशनलाइज कर लो। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई रूट 5 और अपॉन में भी 2 मल्टीप्लाई रूट 5, हाँ अच्छा ये यहाँ 2 रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 हो जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, ये 2 कहाँ से आ गया है ना, दिमाग घूम गया था, तो 2 अपॉन रूट 5 में रूट 5 ऊपर रूट 5 नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ऊपर क्या बन जाएगा 2 रूट 5 अपॉन 5, अब रूट 5 की वैल्यू ऊपर पुट करो तो क्या हो जाएगी 2.236 अपॉन 5 है तो 5, अब अगर देखोगे तो 5 से ऊपर सीधे साधे तरीके से तो कटने से रहा, कटना तो है नहीं, तो क्या करो फिर इसके लिए, जीरो बनाने के लिए क्या करो, 2 से एक बार ऊपर और 2 से एक बार, लेकिन ये कहीं रूल में तो है नहीं, ये तो हमने अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए किया, तो ये हम करेंगे माइंड में,
तो 2 से जब ऊपर मल्टीप्लाई करवाओगे तो जो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था रियल में 4 से हो जाएगा। तो तुम 4 से मल्टीप्लाई करवाओ, लास्ट से 4 से करवाते हो, 4 6 जा 4 3 जा 12 14 4 2 जा 8 9 और 4 2 जा 8 एक पॉइंट लगा है। अब नीचे बना होगा 10, तो 10 की वजह से एक पॉइंट और पीछे खिसक जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.894। और 3 डेज में पेस तक पूछा था तो ये इसका नियरेस्ट कर दिया तो 0.894 ही आया। चेक कर लो, 100% एक्यूरेट आंसर आना चाहिए। हो गया, इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए फिर से इसको रेशनलाइज कर दें, तो इससे क्या होगा, रूट थ्री से ऊपर मल्टीप्लाई और रूट थ्री से नीचे, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दूं, तो ऊपर बन जाएगा 2√3 − 3। पता चला कैसे आया, रूट थ्री से ऊपर मल्टीप्लाई करवाया, रूट थ्री का एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है ना, तो रूट थ्री का एक बार इसमें तो 2√3, रूट थ्री का एक बार इसमें तो −3, और अपॉन में भी रूट थ्री का होगा तो √3√3 3। अब रूट में जो 3 की वैल्यू है उसकी पुट कर दो √3, √3 की वैल्यू 1.732, तो इसकी जगह पुट करेंगे तो 2 × 1.732 − 3/3, बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई पहले करना, तो बन जाएगा 3.464 − 3 है ना। मैंने लास्ट से मल्टीप्लाई करवाने के बजाय 17 का 32 टूजा पढ़ लिया, बस कैरी नहीं आई, इस वजह से मेरा तुक्का सही बैठ गया। अपॉन 3, ऊपर क्या बचेगा 0.464 / 3। अब 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.1546 है ना। 3 से डिवाइड करोगे तो 0 3 1 3 15 16 आएगा, 3 5 15 14 बचेगा, 3 4 12 2 बचेगा, फिर 3 6 18 और 6 से आता चला जाएगा। अगर 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है तो ये पॉसिबल है कि 0.155 आ रहा हो सकता हो आंसर, जैसे फोर्थ के फोर्थ में लिखा है 5 + a और b की वैल्यू निकालनी। फिर वही चीज, पहले इसको रेशनलाइज करें, और रेशनलाइज क्यों करें, क्योंकि a और b की तभी वैल्यू निकलेगी जब इसी के पैटर्न में क्वेश्चन में यहां पर भी कुछ ना कुछ लिखा होगा, तब ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड दोनों की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, तो रेशनलाइज करें आप, तो क्या हो जाएगा यहां पर 5 + 2√3 / 7 + 4√3 का मल्टीप्लाई 7 − 4√3 से, और एक बार फिर से 7 − 4√3, और इक्वल में जो लिखा है लिखा रहने दो। अब मल्टीप्लाई होगा एक एक करके, क्योंकि ऊपर फॉर्मूला तो बन नहीं रहा, तो 5 7 = 35, फिर 5 का इसमें 5 4 = 20√3, इसका मल्टीप्लाई इसमें 14√3, इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 4 = 8√3√3 3, तो 8 3 = 24 ही तो लिखोगे। अपॉन a² − b² कैलकुलेशन समझते जाना, बीच बीच में मैं ऐसे ही गायब कर दूंगा फिर कैलकुलेशन, ये नहीं कि ब्लॉक पड़ जाए दिमाग की ये कहां से आ गया, फिर सोचने के लिए फिर मुझको चेहरा देखना पड़े, तो मतलब क्या रहा मेरा इसमें स्पीड पकड़ने का। फिर 4√3 का स्क्वायर किया ना, 4 4 = 16, √3√3 का 3, 16 3 = 48, अब टेबल ना पढ़ने लगना, 16 1 = 16, 16 2 = 32, फिर निकालो, ये ध्यान देना, कैलकुलेशन और फास्ट करो। a + b√3, अब ऊपर सिंप्लीफाई कौन कौन हो रहा है, ये कांस्टेंट, ये वो रेशनल, रेशनल 35 में 24 − 11 − 20√3 + 14√3,
तो माइनस सिक्स रूट थ्री, नीचे कुछ नहीं बचेगा, हो गया। देखो उसी पैटर्न में बन गया, जो इरेशनल के साथ था वो यहां पर इरेशनल के साथ ही है। इसके बाद एक लाइन कौन सी, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ए की जगह लिखा हुआ है 11, तो ए इज इक्वल टू 11, बी की जगह क्या माइनस सिक्स ही रहेगा, माइनस सिक्स ही रहेगा, सही है, क्योंकि यहां पर बी प्लस में है ना, यहां पर माइनस में है, तो माइनस सहित उसको उठाया जाएगा, क्योंकि इसको एक तरह से लिखना चाहो तो बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह में लिखने में इसको ऐसे लिखना होगा 11 प्लस माइनस सिक्स रूट थ्री, तब सेम टू सेम इसी पैटर्न में बनेगा, ए की जगह 11, प्लस की जगह प्लस, रूट थ्री की जगह रूट थ्री, तब बी की जगह सिर्फ माइनस सिक्स बचेगा। अगर यहां माइनस बी होता तो यहां पर बी की वैल्यू सिक्स आती, ऐसे नहीं आती, इस वजह से साइन का ध्यान देना है। आए समझ में, नोट करना हो नोट कर लो।